न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप ऐसा एक सोचिए कि अगर कोई प्लेन है, कोई रोड है, और उस रोड पर हम कोई रिंग, उस पर गतिमान है, तब क्या ऐसा संभव है कि वो लगातार वो रिंग या कोई वो बॉडी जो भी वो है, कि क्या वो जो उसकी स्पीड है उसी स्पीड से वो मूव करता रहे? कैसा संभव है? आप कहेंगे कि ऐसा संभव नहीं है कि वो रिंग जो है या बॉडी जो है धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है और फाइनली उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है, और ऐसा होता है इन दोनों के बीच लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स के कारण। यानी अगर इस फ्रिक्शन फोर्स को हम हटा दें बिल्कुल, ये बॉडी भी बहुत ज़्यादा चिकनी हो, स्मूथ हो, और ये रोड भी स्मूथ हो, और इतनी ज़्यादा स्मूथ हो कि इनके बीच का फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स ना लगे, तब क्या होगा? तब ये रिंग, ये बॉडी हमेशा मूव करती रहेगी और कभी नहीं रुकेगी। स्पष्ट है क्या? स्पष्ट है कि ये बॉडी अगर कोई मूवमेंट में है, तब ये बॉडी केवल इसे तभी रुकेगी जब इस पर कोई हम कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, फ्रिक्शन फोर्स लगा दें या कोई दूसरा फोर्स लगाएं। इसी प्रकार हम अगर कोई एक टेबल है, उस टेबल पर कोई बुक रखी है, क्या होगा? क्या हम इसके सामने बैठे रहें जब तक भी हमारी उम्र हो, क्या ये बुक अपने आप मूव कर सकती है? नहीं कर सकती। जबकि इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इसका वेट नीचे की तरफ और एक इन सरफेस के बीच लगने वाला रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। नेट फोर्स ज़ीरो है, या कहें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होने की वजह से ये कांस्टेंट मोशन में, कांस्टेंट ही रहेगी, रेस्ट में रहेगी। यानी कोई बॉल अगर मूविंग पोजीशन में है तब वह उसी पोजीशन में रहेगी, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया जो गैलीलियो ने दिया था, उसी को आगे बढ़ाया न्यूटन ने, और उसे न्यूटन ने अपनी गति का पहला नियम दिया। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर हम उस बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगा देंगे तो उसकी मोशन चेंज नहीं होगी। न्यूटन्स के गति के पहले नियम से फोर्स की डेफिनेशन भी क्लियर होती है। फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है, नॉट इंटरनल। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। यदि कोई बॉडी है और उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसकी स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही न्यूटन की गति का पहला नियम है, और इस नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है।